वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरा गेटअप देख के आपको आइडिया मिल गया होगा कि आज है हेलोवीन। तो हेलोवीन नाइट में मेरा थीम क्या है उसको आप थोड़ा गेस कीजिए। तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। आज हम बना है पायरेट। तो जैक स्पैरो का तो हम बहुत बड़ा फैन है, तो उसका टाइप का थोड़ा बीच वीच करने का कोशिश किया है, बट उसका तो 1% भी नहीं हुआ है क्योंकि ये सस्ता वाला जैक स्पैरो है। उस दिन हम लोग शॉपिंग करने गया था मेरा बेटी के लिए, क्योंकि बेटी का डिमांड जो था उसको हेलोवीन में बनना था विच, लेकिन ऐसा वैसा विच नहीं, बटरफ्लाई विच। कभी सुना है क्या बटरफ्लाई विच? तो अभी बटरफ्लाई भी बनना है लेकिन विच भी बनना है, तो उसमें हमको क्या करना होगा हमको कुछ आइडिया नहीं हुआ है। सो एक दुकान भी गया था, I would like to call our butterfly witch. Ta-da! Coco! Come, Coco! This is our butterfly witch. Coco, ek bar ghoom ke dikha do. Turn around. So, ye butterfly witch. So, ye bhi bahut hi sasta wala, gareeb wala butterfly witch hai. Sab cheez jo hai. जुगार वाला सिस्टम से बनाया है। ये सब जो है जो गार्बेज बैग्स होता है ना मार्केट में जो मिलता है उससे, वो लेके हम काट के बनाया है। एंड ये भी ऐसा ही है। उसके बाद ये भी एक स्टिक जो है वो कोई बाहर में उसका खिलौना का ही स्टिक था, उसमें फिर हम ये गिफ्ट रैपिंग पेपर से इसको रैप कर दिया है। और फिर ये बटरफ्लाई विंग्स ये सब तो खरीदा है, और ये विच का हेड भी खरीदा है। तो ज़्यादा भाग तो खुद बनाया है, और ये सब तो ये सिर्फ दो चीज़ें हम खरीदा होगा। सो दिस इज आर बटरफ्लाई विच। आर यू हैप्पी? आप हैप्पी है ना बटरफ्लाई विच बन के? सीन्स ये हेलोवीन हम लोग बच्चा लोग के लिए कर रहा है, इसीलिए हम कुछ बनाया है। देखिए क्या लग रहा है आपको देख के, इसको देखिए। तो एक्चुअली हम बनाने का कोशिश किया है दांत, उसके बाद लिप्स। तो ये बनाया है तीन इंग्रेडिएंट से, एप्पल, मार्शमेलो एंड पीनट बटर। सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट लुक लाइक लिप्स। उधर देखो, तो ये है मेरा साइड किक, ये है चोर बुबा चांद, तो चांद, ये है चोर, थीफ का गेटअप में है। इसके लिए कुछ मिला नहीं है, तो थोड़ा थीफ जैसा लग रहा है ना, या तो पायरेट थीफ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मेरा साइड किक है ये, तो हम जहाँ जाते हैं इसको जाना ही पड़ता है, उपाय नहीं है। उसके बाद हम अभी जाएंगे फिर से जोजो के घर, क्योंकि जोजो का वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग छोटा सा कोको और जोजो के लिए स्पेशली हम लोग ये किया है, थोड़ा सा इनको खुश करने के लिए हम लोग हेलोवीन मना दे रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट स्नैक्स हम लोग करेगा, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएगा। बाय बाय, सी यू लेटर बोलो, उसके बाद हाथ को से चू। हेलोवीन की शुरुआत हुई 2000 साल पहले आयरलैंड, यूके और नॉर्दर्न फ्रांस में, जहाँ सेल्टिक लोग रहा करते थे।
सेल्टिक पीपल 1 नवंबर को उनका न्यू ईयर मनाते थे। ये दिन समर और हार्वेस्टिंग का एंड और कोल्ड एंड डार्क विंटर की शुरुआत को मार्क करता था। सेल्स मानते थे कि 31 अक्टूबर मतलब न्यू ईयर की एक रात पहले लिविंग और डेथ के बीच की बाउंड्री ब्लर हो जाती थी। सो दे सेलिब्रेटेड ए फेस्टिवल सो इन ऑन 31 अक्टूबर जब गुजरे हुए लोगों की आत्मा धरती पर वापस आती थी। यही फेस्टिवल रोमन्स और क्रिश्चियंस ने अपने ट्रेडिशंस और बिलीफ के हिसाब से बदल दिया। बदलते बदलते ये अमेरिका भी पहुंच गया और आज जो हम हेलोवीन मनाते हैं वो अमेरिकन वर्जन ऑफ हेलोवीन है। वैसे हम इंडियंस का भी हेलोवीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पर अगर हमारी इस छोटी सी लाइफ को सेलिब्रेट करने का एक बहाना मिल रहा है तो व्हाई नॉट। ये है ड्रैकुला। ड्रैकुला जो है स्पाइडर कुकीज बना रहे। सस्ता जैक स्पैरो सर्विंग करते हुए अभी हमको बीच में निकलना पड़ा क्योंकि एक सिस्टर है उसको हॉस्टल पहुंचाना है जो अभी मेरा कैमरामैन बना हुआ है, कैमरा गर्ल एक्चुअली। तो उसका कर्फ्यू जो 7:30 है तो उससे पहले हमको ड्रॉप करना है उसको, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कोको को जोजो का घर में ही छोड़ दिया है तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैंने हॉस्टल में ड्रॉप कर लिया है बहन को, तो अभी हम ये गेटअप से निकलना चाहेगा क्योंकि हमको अभी डिनर विनर ये सब भी देखना है, बच्चा का सोने का टाइम ये सब भी हो रहा है। सो आई हैव टू लुक इनटू दैट। उस समय में हम जो व्लॉगिंग ये सब नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो इसीलिए आज के लिए हम यहीं पे एंड करना चाहेगा। सो जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे लिए कुछ भी सजेशन टिप्स, मेरा जो ब्लॉग है ये जो चैनल है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ भी एडवाइस हो तो प्लीज़ आप बेझिझक होके हमको दीजिए। मेरा ये जो पास्ट फ्यू डेज में जो यूट्यूब के साथ जो एक्सपीरियंस लड़ा है वो बहुत एग्जॉस्टिंग तो था बट हमको बहुत फुलफिलिंग सा जो फीलिंग भी मिल रहा है, क्योंकि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आई एम लिविंग माई लाइफ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे और हम कुछ कर रहा है ऐसा जस्ट फीलिंग हो रहा है। नहीं तो हम जॉब कर रहा था, बच्चा संभाल रहा था, घर को देख रहा था, तब हमको कुछ अधूरा अधूरा सा फीलिंग हो रहा था। लेकिन जब से हम ये कैमरा उठा के शुरू हो गया है उसके बाद से हमको कुछ मतलब मेरा लाइफ में कुछ पर्पस है ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही टायरिंग तो है क्योंकि एवरी टाइम व्लॉग शूट करना और उसको एडिट करना और अच्छा सा म्यूज़िक देना, थंबनेल बनाना, ये सब प्रोसेस जो है बहुत ही एग्जॉस्टिंग टाइम टेकिंग है। और बच्चा होते हुए ये सब देख करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट स्टिल आई एम इन्जॉइंग इट। इसीलिए आपको अगर कुछ भी एडवाइस सजेशन हमको देना हो जिससे मेरा ये चैनल को हम और इम्प्रूव कर सके और बेटर वे में हम ग्रो कर सके, सो आई वुड वेलकम योर सजेशंस। मेरा जो कैमरा क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, वो सब अभी तक अप टू द मार्क नहीं है, हमको पता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा होगा क्योंकि हम आई एम स्टिल लर्निंग और आईफोन ख़रीदने का तो अभी हम मेरे पास औकात नहीं है। सो यू हैव टू बेयर विद द वीडियो क्वालिटी फॉर नाउ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक इट then please like, share and subscribe or hi pala for today. Sabko hi pala. Ye kaun hai?